रूस यूक्रेन के बीच लगभग पिछले 6 महीने से चल रहा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था कि दुनिया के अन्य देशों ने भी अपने दुश्मन देशों से तनातनी शुरू कर दी है। चीन और उसके पड़ोसी देश ताइवान के बीच चल रही जुबानी जंग के बाद अब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच भी तनातनी तीखी हो गई है। चीन ताइवान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात के बाद अब अजरबैजान और अर्मेनिया देशों ने भी जंग के हालात पैदा कर दिए हैं। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने यहां तक दावा किया है कि उसने दोनों देशों के बीच विवादित क्षेत्र नागार्नो कारबाख की कई पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। अजरबैजान के मुताबिक उसकी अर्मेनिया से तनातनी तब शुरू हुई जब अर्मेनिया के सैनिकों ने विवादित स्थान पर अजरबैजान के एक सैनिक को मार गिराया। इसके बाद अजरबैजान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नागोर्नो कारबाख के पहाड़ियों पर अपने कब्जे का दावा किया है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच जंग का कारण अजरबैजान में मौजूद नागोर्नो कारबाख का विवादित इलाका है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। दोनों देशों के बीच का यह विवाद दशकों पुराना है, लेकिन यह विवाद तब और अधिक बढ़ गया जब 80 का दशक खत्म होते होते USSR यानी सोवियत संघ का पतन शुरू हुआ। यह दोनों ही देश USSR के पतन तक इसके सदस्य रहे हैं। आपको बता दें, नागोर्नो कारबाख के विवादित इलाके पर रूस के शांति सैनिक भी तैनात हैं। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच अगर विवाद और बढ़ा तो रूस इस पर क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNP न्यूज़।